حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. امين يا رب العالمين. تمام نازرين كاستقبال يا مالك اشتراك نامه كلام هي ارابك ان اردو. ان شاء الله باذن الله الكريم ادم برينجي الدرس الثاني عشر من كتاب دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها.

हमको इसमें दो चीज़ें करनी है ठीक है नंबर वन हमको दमेर मुतसिल का जो है ये हमको चेंज करना है ठीक है का जो है ये मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है इसको हमको चेंज करना है मुन्नत में ठीक है पहली बात दूसरी बात मुनादा जो है ठीक है या अभी ए मेरे बाप ठीक है ए मेरे वालिद महतरम ए मेरे वालद महतरम ठीक है ए मेरे बाप मुनादा जो है ठीक है इसको हमको चेंज करना है ये मुदक्कर है इसको हमको मुअन्नस में तब्दील करना है ठीक है इसको मुअन्नस में तब्दील करना है देखिए यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर किया हुआ है कलम की या उम्मी न कल या उम्मी ऐ मेरी माँ आपका कलम कहाँ है ठीक है यहाँ पर हमने ज़मीर मुतसिल भी चेंज किया ठीक है कि हमने इस्तेमाल किया क्यों क्योंकि हम यहाँ पर माँ के साथ बात कर रहे हैं और जो माँ है ये मुन्नसे है ठीक है आई न कलम की या उम्मी ए मेरी माँ आपका कलम किधर है और हमने मुनादा भी चेंज किया ठीक है इसी तरीके से हमको बाकी जो सेंटेंसीज़ है से यहाँ पर इनको इसी तरह हल करना है मुकम्मल करना है ठीक है देखिए यहाँ पर आइंद का कलम या ए मोहम्मद क्या आपके पास पेन है ठीक है क्या आपके पास कोई पेन है ठीक है अब हमको बोलना है कि ए आमिना क्या आपके पास कोई कलम है तो हम किस तरह से बोलेंगे ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे अ इंद ठीक है अ इन की ठीक है हम की बोलेंगे क्यों क्योंकि मुनादा जो है ये मनत है इसी वजह की इसी वजह से हम जमीर मुत्तसल जो है ये हम मनस लाएंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पर दूसरी मिसाल ऐ न बई तु कई दी ऐ न बई तो कह सयी दी ए मोहतरम आपका घर किधर है ए मोहतरम आपका घर किधर है अब हमको बोलना है कि ए मोहतरमा आपका घर किधर है तो हम किस तरह से बोलेंगे ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे ऐ न ठीक है ऐ न बई तो की ठीक है बहुत आसान है बई तो की ऐ न बई तो की यह सीदती ए मोहतरमा आपका घर किधर है ठीक है यहाँ पर का था और हमने यहाँ पर की इस्तेमाल किया ठीक है का जो है ये हम मदर करके इस्तेमाल करते हैं और की जो है ये हम मुन्नत के साथ इस्तेमाल करते हैं देखिए यहाँ पर नंबर थ्री अहाजत दफ्तर अहाजत दफ्तर क्या ये कापी लली यू एली आपकी है ठीक है ए अली, क्या यह कापी आपकी है अब हमको बोलना है ए फ़ातिमा क्या यह कापी या नोटबुक आपकी है ठीक है तो हम किस तरह से बोलेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे अ ठीक है हादद दफ्तरो दफ चरो दफ्तरो ठीक है अह दफ लकी ठीक है काफ के नीचे हम कसरत देंगे ठीक है अह दफ लकी या फातिमा तो ए फ़ातिमा क्या यह कापी आपकी है बहुत ही आसानी कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे सेंटेंस नंबर फोर मिन ए नंत या अखी मिन या अखी, ए मेरे भाई आप कहाँ से हो ठीक है अब हमको बोलना है ए मेरी बहन आप कहाँ से हो तो हम किस तरह से बोलेंगे ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे मिन आएन, मिन निन ए नी ठीक है मिन ए अंति या उख़ती ए मेरी बहन आप कहाँ से हो यहाँ पर अंत था अब हमने अंति इस्तेमाल किया ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो अख़ी है ये मुदक्कर है और जो यहाँ पर उखती है ये मनत है सेंटेंस नंबर फ़ाइव अ अबू का या खालिद दो अबू का या खालिद ए खालिद आपका वालिद कहाँ है अब हमको बोलना है ए खीजा आपका वालिद कहाँ है हम यहाँ पर लिखेंगे ए न अबू की ठीक है ए अबू की या खदीजा तो ए खदीजा आपका वालिद कहाँ हैं अंत मेरी गुन या खाली ए मेरे मामू क्या आप बीमार हो अंत मेरी गुन या ख़ाली ए मेरे मामू क्या आप बीमार हो अब हमको बोलना है ए मेरी खाला क्या आप बीमार हो तो हम किस तरह से बोलेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे एंति एंति मरी वतन ठीक है एंति मरीवन या खालती ए मेरी खाला क्या आप बीमार हो ऐ नई तुख या एमी अई तुख या अम्मी ए मेरे चचा आपका घर किधर है अब हमको बोलना है ए मेरी पोफी आपका घर कहाँ है तो हम किस तरह से बोलेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे ए न ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे ए न बई तो की ठीक है ए न बई तो की हम यहाँ पर की इस्तेमाल करेंगे क्यों क्योंकि हम इस सख्त मुअन्नस के साथ फ़ीमेल के साथ बात कर रहे हैं तो इसी वजह से हम की इस्तेमाल करेंगे ऐना न बई तुकी या अम्मी ए मेरी पोफ़ी आपका घर कहाँ है चलिए आगे अला का अख़ुन या हामिद अला का अख़ुन या हामिद ए हामिद क्या आपका कोई भाई है अब हमको बोलना है या सुआदू, ए, सुआद क्या आपका कोई भाई है तो हम किस तरह से बोलेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे अ लकी अ लकी अखुन ठीक है की अखुन या स्वाद ए स्वाद क्या आपका कोई भाई है चलिए आ गई अ माजा आंद का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माजा इंद का या अखी। ए मेरे भाई आपके पास क्या है आपके पास क्या है अब हमको बोलना है ए मेरी बहन आपके पास क्या है हम यहाँ पर लिखेंगे माजा इंद की माजा इंद की या उख्ती ए मेरी बहन आपके पास क्या है ठीक है यहाँ पर ये माजा है माजा चलिए असलम अलैका या अभी ए मेरे वालिद ए मेरे पापा अलैकुम आप पर सलामती हो आप पर सलामती हो अब हमको बोलना है ए मेरी माँ आप पर सलामती हो तो हम किस तरह से बोलेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे असलाम ठीक है असला मिलई की ठीक है असला मिलई की यह उम्मी ए मेरी माँ आप पर सलामती हो आप पर सलाम हो ठीक है बहुत ही आसान कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे एक्सरसाइज नंबर थ्री अन्य देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ठीक है ठीके? ये सब हमको क्या काम करना है इनमें जो फ़ाइल है इनमें जो फाइल है वो मुदक्कर है ठीक है वो मुदक्कर है हमको उस फाइल को मुन्नस में तब्दील करना है ठीक है फाइल को मनस में तब्दील करना है देखिए यहाँ पर खराजा मुहम्मद मिनल बती खराजा महम्मद मिनल बैती महम्मद निकला घर से ये कौन सा जुमला है खाराजा महमद उन मिनल हम बोलेंगे अल जुमला अल अलफअली तो क्यों क्योंकि इस जुमले की फ़ैल से हुई है तो किधर है फ्याल और किधर है फ़ाइल हम यहाँ पर बोलेंगे ख़राजो को फ़ैल ठीक है फ़ेलमादिन ठीक है ये फ्याल माजी है महमदुन जो है ये फ़ाइल है क्या है फ़ाइल है ठीक है अब देखिए यहाँ पर अब हमको महम्मद जो फ़ाइल है मुदक्र है इसको हमको चेंज करना है ठीक है इसको चेंज करना है मुन्नस में तो हम किस तरह से चेंज करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ख़राजत अमिन खराजत अमिनतु मिनल बी आमिना निकली घर से ठीक है फाइल हमने यहाँ पर चेंज किया आमिनतु और इसकी वजह से हमने فعل को भी चेंज किया ठीक है हमने यहाँ पर तानीस को लाया ठीक है हमने यहाँ पर तात्तनी को लाया ठीक है और जो तानीस है ठीक है ये जो ता है यहाँ पर जिसके ऊपर सुकून है ये علامه التانيث هي علامه المؤنث ٹھیک ہے یہ مؤنث کی علامت ہے کیونکہ فاعل جو ہے یہ مؤنث ہے تو ہمیں فعل بھی مؤنث ہی لانا پڑے گا ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم نے خرجت لایا نہ کہ خرج خرجت, خرجت امینہ من البيت امینہ نکلی گھر سے ٹھیک ہے بہت ہی اسانی کوئی مشکل نہیں ہے ذهب المدرس ذهب المدرس الى الفصل ذهب المدرس उस्ताद गया एलफसली क्लास रूम तक अब हमको बोलना है कि फ़ीमेल टीचर गई क्लास रूम तक तो हम किस तरह से बोलेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे जहबत ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे जहबतमोदर्री सतु अल्मर्री सतु इलफली फसली, ठीक है जहबत अल सतु इल अफसली क्या मतलब कि फ़ीमेल टीचर गई क्लासरूम तक देख यहाँ पर सेंटेंस नंबर टू जहब अभी इलमुस्तफफ़फफ़फफ़फफ़ा जहब अभी मेरा बाप गया इलमुस्तफ़फ़फ़फफ़फफ़ा हॉस्पिटल तक ठीक है अब हमको बोलना है कि मेरी माँ गई हॉस्पिटल तक तो हम किस तरह से बोलेंगे ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे जहबत बहुत ही आसानी जहर जह ذهبت ذهبت جو المكان الذي يجعل أمي ذهبت أمي ذهبت أمي إلى المستشفى إلى المستشفى إلى المستشفى هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان जलसत तालिब फिलफली जलसत तालिब फिलफलीबल बैठा क्लासरूम में ठीक है अब हमको बोलना है कि एक फीमेल स्टूडेंट बैठी क्लासरूम में ठीक है एक फीमेल स्टूडेंट तालिबा बैठी क्लासरूम में तो हम किस तरह से बोलेंगे हम यहां पर लिखेंगे जलासत ठीक है जलसत अबॉलिब तु ठीक है हमको फाइल भी मुन्नसी लाना पड़ेगा जलसत अब कॉलिब फैल भी मनत ही लाना पड़ेगा और फ़ाइल भी मनत ही लाना पड़ेगा ठीक है जब फ़ाइल मदक्कर होगा तो फ़्याल भी मुदक्कर ही आना चाहिए जलसत अबालतो फिलफली ठीक है क्या मतलब फ़ीमेल स्टूडेंट बैठी क्लासरूम में ख़राज अख़ी मिनलबैती ख़राज अख़ी मेरा भाई निकला मिनल्बैती घर से

निकली घर से बहुत ही आसान है कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे एक्सरसाइज नंबर फोर दल मैली रीड द दे फॉलोइंग देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या समझना है जहल अब ये यहाँ यह पर सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन सा जुमला है हम बोलेंगे अल तो अलफ अली है क्यों क्योंकि इस जुमले की इब्तदा फैल से हुई है ठीक है जालसा को हम बोलेंगे अलफ الماضي ठीक है अलफ الماضي ता जो है उसके ऊपर जो सुकून है इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे दनीनीसी ठीक है क्या बोलेंगे द उत्तनी ये मुन्स का ता है ठीक है इससे हम फयाल को मनस बनाते हैं ठीक है किस ता से जिसके ऊपर सुकून हो अब जो है इसको हम बोलेंगे फायद ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगर हम जलसत अब कलिबतु को मिला कर पढ़ेंगे ठीक है अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हम किस तरह से पढ़ेंगे देखिए यहाँ पर फिर हम पढ़ेंगे जला सत्यु ये जो ता है जिसके ऊपर सुकून हमने दिया है इसके नीचे हम कसरा देंगे जैसा कि यहाँ पर दी गई है जैसा कि कसरा यहाँ पर दी गई है ठीक है जल सत्य पाली अब देखिए यहाँ पर जब भी ता साकिन जब भी ता साकिन ठीक है आप याद रख लीजिए जब भी ता साकिन के बाद अल आए जब भी ता साकिन के बाद अल आए ठीक है और फिर हमें इस ता साकिन को मिलाकर पढ़ना है तो हम किस तरह से पढ़ेंगे उस वक़्त हम क्या काम करेंगे उस वक्त हम ता साकिन के नीचे कसरा देंगे ठीक है मिलाने की वजह से ठीक है मिलाने की वजह से और जो ये कसरा होगी ये इसकी ओरिजिनल कसरा नहीं होगी ये इसकी ओरिजिनल कसरा नहीं होगी ये आप बिल मुख कसरा याद रख लीजिए इंशाल्लाह इनकी डिटेल आगे आएगी ठीक है क्या बोला मैंने जलसत अब जो है ताकि ऊपर जो सुकून है अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हम किस तरह से पढ़ेंगे जलसत बतु जलासताली बतु ठीक है ताकि नीचे हम कसरा देंगे क्यों क्योंकि ता सान के बाद अगर अलिफ्लाम आ जाए ता सान के बाद अगर अलिफ्लाम आ जाए यानी हरफ व आ जाए ठीक है हर्फ तारीफ आ जाए तो उस वक़्त हम क्या करेंगे और फिर हमें उस वक़्त मिला के पढ़ना होगा मिला के पढ़ना होगा तो उस वक़्त हम क्या करेंगे उस वक़्त हम ता सान जो है उसके नीचे हम कसरा देंगे उसके नीचे हम कसरा देंगे और जो ये कसरा होगी ये औरजिनल कसरा नहीं होगी आपको फ़िलहाल इतना मुख्तरा याद रखना है इन डिटेल आगे आएगी जालासत अब अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे जालासत पौली ठीक है बहुत ही आसानी कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे एक्सरसाइज नंबर फाइव एक कला जुमिल रीड द फॉलोइंगज ये जो जुमले दिए गए हैं यहाँ पर हमें इनको पढ़ना है तो चलिए पढ़ते हैं जुमला नंबर الذي خرج من بيتك बैतिका من الفتى नौजवान लड़का कौन है जो खाराजा निकला मिन बैतिका आपके घर से अलना इस वक्त ठीक है नौजवान लड़का कौन है जो अभी निकला आपके घर से फिर क्या जवाब दिया गया है हुआ बनु अम्मी हुआ बनु अम्मी हुआ इबनु अम्मी वो मेरे चाचा का बेटा है वो मेरे चाचा का बेटा है ठीक है ये कौन सा जुमला है हुआ इबनु अम्मी हम बोलेंगे अल जुमला टू अल इसमी या क्यों क्योंकि इस जुमले की इब्तिदा इसम से हुई है तो किधर है मुब्तदा और किधर है ख़बर हुआ जो है हुआ इसको हम बोलेंगे मुबदा ठीक है और इबनु जो है इसको हम बोलेंगे ख़बर व हुआ मुदाफ़ एम जो है ये मुदाफ़ इले है वह हुआ मुदाफ और जो या है ठीक है या उल्मतकी या उलमुतिमी ठीक है इसको हम बोलेंगे मुदाफ़न ठीक है मुदाफ़ुलई ही हुआ को हमने बोला मुबदा ठीक है इबनु को हमने बोला ख़बर वह हुआ मुदाफ़ ठीक है इब्नु जो है ये मुदाफ़ बन रहा है इसी वजह से हमने यहाँ पर एक ही जम्मा दी ठीक है क्योंकि क़ायदा है जो मुदाफ़ बनेगा जो मुदाफ़ बनेगा उस पर हम तनवीन दाखिल नहीं करते हैं और ना ही हम उस पर अलिफ लाम दाखिल करते हैं ठीक है हुआ मुक्त इब्नु ख़बर वह व मुदाफ़ जो है इसको हम बोलेंगे मुदाफ़न अल वह वदाफ़ या जो है अलिया उसको हम बोलेंगे मुदाफ़ुन इलाही ठीक है अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस नंबर टू मनिल फता तो मनिल फता तो नौजवान लड़की कौन है अल्लती खराजत अल्लती खराजत जो निकली देख यहाँ पर अल्लती यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है अल्लती जो है इसको हम बोलते हैं इसमन मौसूल ठीक है ये हमने पढ़ा है कि इसमन मौसूल किसको हम बोलते हैं अल्लती जो है इसका माना है जो ठीक है इसका माना है जो और जो अल्लती है ये हम मुन्नत के साथ इस्तेमाल करते हैं और अज़ि जो है ये हम मुदक्कर के साथ इस्तेमाल करते हैं लज़ी का माना है जो और का भी माना है जो लेकिन अज़ी जो है ये हम मुदक्कर के साथ इस्तेमाल करते हैं और जो अल्लती है ये हम मुन्नत के साथ इस्तेमाल करते हैं ठीक है मनफ़तः तो ख़राजत नौजवान लड़की कौन है जो निकली मिन बैती का आपके घर से अलअ इस वक्त या यहाम्मद ए मोहम्मद ठीक है ए मोहम्मद नौजवान लड़की कौन है जो अभी आपके घर से निकली ठीक है फिर क्या जवाब दिया गया है ही बिन तुलाती बिन्तु खालती वो मेरी मौसी की बेटी है वो मेरी खाला की बेटी है ठीक है देखिए यहाँ पर सेंटेंस नंबर थ्री لمن المفتاح لمن الذي على المكتب الذي على المكتب الذي على المكتب لمن المفتاح لمن المفتاح لمن المفتاح پھر جب ہم نے ملا کر پڑھا تو کس طرح سے پڑھا هي المفتاح یہ جو کسرہ ہے یہاں پر هي کے نیچے ٹھیک ہے یہ اس کی मन ठीक है आप ये बात भी याद रख लीजिए जब भी नून साकिन के बाद जब भी नून साकिन के बाद लाम आ जाए जब भी नून साकिन के बाद लाम आ जाए और हमको मिलाकर पढ़ना होगा तो हम उस वक्त तो नून के नीचे कसरा देंगे ठीक है जिस तरह से हमने अभी पढ़ा जब भी ता साकिन के बाद जब भी ता साकिन के बाद लाम आ जाए तो हम उस वक्त ता साकिन के नीचे कसरा देंगे ठीक है जब हमको मिलाकर पढ़ना होगा ठीक है

आलसरी घड़ी किसकी है लिमन सातु ठीक है असल में क्या है लिमन असातु अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे लिमन सातु ठीक है लिमा सातु गड़ी किसकी है जो ठीक है आल सरीर बेड पर है जो बेड पर है गड़ी किसकी है जो बेड पर है फिर क्या जवाब दिया गया है लिजव जी उखती लिजव जी उखती वो मेरे बहन के शौहर की हैं वो मेरे बहन के शौहर की हैं ठीक है ठीके? बहुत ही आसान है कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे एक्सरसाइज नंबर सिक्स अकमिलजुम बिवादी इसमिन في الفراغ fill in the blanks द ब्लैंक्स or और ठीक है ये जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर हमें इनमें الذي लगाना है या अति लगाना है ठीक है जिसके साथ अलि इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम अदी देंगे अलि लिखेंगे और जहाँ पर अति लगेगा हम वहाँ पर अति दाखिल करेंगे ठीक है अलि जो है ये हम मुज़क़्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं और अति जो है ये हम मुन्नत के साथ इस्तेमाल करते हैं चलिए सेंटेंस नंबर वन अल किता अबू अलमकबी लिल्मर रसी ठीक है किताब जो मेज़ पर है उस्ताद की है बोलिए हम क्या यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अल्लती या अल्लजी हम यहाँ पर अल्लजी इस्तेमाल करेंगे ठीक है क्यों क्योंकि जो किताब है ये मुदक्कर है तो इसी वजह से हम अल्लजी भी इस्तेमाल करेंगे और जो अल्लजी है ये हम मुदक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है नंबर टू अल कलम फिर डैश दिया गया है ठीक है फ़ी हकीबती मकसूर हकीीबती मकसूर ठीक है यहाँ पर जो ब्लैंक है अल कलम पेन जो मेरे बैग में है टूटा हुआ है ठीक है क्या हम अल्लती यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे नहीं बल्कि हम अल्लजी इस्तेमाल करेंगे ठीक क्युं? है क्यों क्योंकि जो कलम है ये मुदक्कर है तो हम मुदक्कर वाला ही इसमन मौसू यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ठीक है नंबर थ्री अहरा असयाहरा गाड़ी ठीक है फिर यहां पर ब्लैंक दिया गया है गाड़ी जो ठीक है गाड़ी जो निकली अस्पताल से हॉस्पिटल से इस वक्त नए डॉक्टर की है ठीक है अब हमें यहाँ पर इसमन मवसूलन इस्तेमाल करना है क्या हम यहां पर अल्लि इस्तेमाल करेंगे नहीं बल्कि हम अल्लती इस्तेमाल करेंगे ठीक है अल्लती इस्तेमाल करेंगे क्यों क्योंकि जो गाड़ी है ये मुन्नस है ठीक है ये मुन्स है ठीक है हमको कैसे पता चला कि जो गाड़ी है ये मुनस है क्योंकि इसके आखिर पर गोलता है इसके आखिर पर गोलता है और ये मुनस की निशानी है ठीक है अल्लती खराजत ठीक है गाड़ी जो निकली मिनल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल से अल इस वक़्त जदीदी नए डॉक्टर की है ठीक है चलिए आगे अल खलबो الكلب في फिल फ़िल हदीक़ी फ़िल हदीक़ती मरी ठीक है इसका क्या मानी है यानी हमको ये बोलना है कि कुत्ता जो बाग में है ठीक है कुत्ता जो डॉग जो बाग में है बीमार है, ठीक है अब हमें यहाँ पर इसमन मौसू लगाना है तो हम कौन सा वाला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अलदी ठीक है बहुत ही आसानी कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि अल्हि जो है ये मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और जो अलकल्ब है ये मुदक्कर ही है ठीक है तो इसलिए हमने अल्लाजी इस्तेमाल किया है ठीक है बहुत ही आसानी कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे सेंटेंस नंबर फाइव फता ठीक है फता नौजवान लड़का जो ठीक है जो अब हमें जो की अरबी बोलनी है यहाँ पर ठीक है या अल्लाजी लगेगा या ठीक है इन दो में हमको चूज़ करना है कि कौन सा लगेगा ठीक है अलफ़ नौजवान लड़का जो खाराजा मीनमिदी मस्जिद से निकला अल इस वक्त इबनलमअजी इबनलमाजीनी मुआजिन का बेटा है ठीक है अलफ़ हम क्या इस्तेमाल करेंगे अलजी ठीक है हम यहाँ पर लज़ि इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ़तह जो है नौजवान लड़का ये मुदक्कर है तो हम लजि इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अ जो है ये मुदखर के लिए इस्तेमाल होता है चलिए आगे तिलकल बतु तिलकल बतु वो बतख वो बतख जो तहत जराती तहत जराती दरख्त के नीचे है लिबिन तिल फलाही लिबिन तिल किसान की बेटी का है ठीक है वो बतख जो दरख्त के नीचे है किसान की बेटी का है अब बोले यहाँ पर हम यहाँ पर अलि इस्तेमाल करेंगे या अति इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर अति इस्तेमाल करेंगे ठीक है क्योंकि हम बतख़ के मुतालिक बात कर रहे हैं ठीक है और जो बतख है यहाँ पर अलब़त ये मुन्नत है क्योंकि इसके आखिर पर गोलता है ठीक है तो इसी वजह से हमने अति इस्तेमाल किया ना कि अल्लि इस्तेमाल किया चलिए आगे अलबैतुलजदीद अलबैतल जद नया घर जो फ़िजा शार फ़ी जहली उस सड़क पर है लजीर मिनिस्टर का है ठीक है फ़ी जो है फ़ी इसका माना है यहाँ पर आला फ़ी बे माना आला ठीक है अलबैतोल जदी दो नया घर हम यहाँ पर अलि इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम घर के मुतिक बात कर रहे हैं और जो घर है ये मुजक्कर है इसलिए हम लदिज़ी इस्तेमाल करेंगे चलिए आगे अ दरसो अदरसो सबक लहसन ठीक है जो बद दरसी इस सबक के बाद है ठीक है चैप्टर सबक जो इस सबक के बाद है सहलन जिद्दन बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है सबक अल्लादी इस्तेमाल करेंगे या अल्लादी? हम यहाँ पर अल्लादी इस्तेमाल करेंगे ठीक है क्योंकि दर्स जो है ये मुदक्र हैं तो हमने अल्लादी इस्तेमाल किया चलिए आगे मनिलफ़त मनिल, फतातु। मनिल फ़तः तो नौजवान लड़की कौन है ठीक है जो ठीक है जो जलसत सती जो बैठी फीमेल टीचर के सामने ठीक है मनील तो ठीक है नौजवान लड़की कौन है जो अब हम अल्लती इस्तेमाल करेंगे अल्लती हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अल्लती ठीक है क्योंकि हम नौजवान लड़की के मुतल बात कर रहे हैं और ये मुअन्नस है तो इसी वजह से हम अल्लती इस्तेमाल करेंगे नौजवान लड़की ठीक है जो बैठी फीमेल टीचर के सामने कौन है फिर क्या जवाब दिया गया है हियाबालिबुल ही ही वो एक स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट है मिन मलेशिया मिन मा मिन मा ली वो मलेशिया से है ठीक है हियाबुल वो एक फीमेल स्टूडेंट है मिन मलेशिया मलेशिया से सेंटेंस नंबर टन अतिल कल हकीबतु अतिलिल कल क्या वह बैग ठीक है क्या वह बैग जो हम यहाँ पर अल्ला इस्तेमाल करेंगे या अति हम यहाँ पर अति इस्तेमाल करेंगे ठीक है हम यहाँ पर अति इस्तेमाल करेंगे क्यों क्योंकि हम बैग के मुतिक बात कर रहे हैं और जो बैग है ये मुन्नत है क्योंकि इसके आखिर पर गोलता है ठीक है अतिल कल हकीबतु क्या वह बैग अहतमकी जो टेबल के नीचे हैं जो मेज़ के नीचे हैं या लाप आपका है ए खालिद ठीक है ए खालिद क्या वो बैग जो टेबल के नीचे है आपका है ठीक है फिर क्या जवाब दिया गया है ला नहीं सदी लिस सदीक़ी महमदिन वो मेरे दोस्त मोहम्मद का है वो मेरे दोस्त मोहम्मद का है ठीक है बहुत ही आसान है कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे अलजीदू न्यू वर्ड्स العمو، العمو، مو ا كسكوبولتي ابي اهول ابي بابكي بيا العمة أخت لعم ماتو كسكوبولتي ابي أختل ابي بابكي بين يعني بوفي كوبولتي الخالو، ل امي اهول امي ا كسكوبولتي ماكي بيا كوبولتي ماكي بيا كوبولتي هي مامو كوبولتي هي تو امي أختل امي ماكي बहन को बोलते हैं ठीक है सयदी मोहतरम को बोलते हैं सर को बोलते हैं सयदती मोहतरमा को बोलते हैं ठीक है मुस्फ़फल विलाती मुस्तफ़ल विलाती मेटर्निटी हॉस्पिटल को बोलते हैं ठीक है बहुत ही आसानी कोई मुश्किल नहीं है इसी के साथ ब्यामील्हि तम ने चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने मुकम्मल कर लिया है तो दीजिए درس كسات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للامم